नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। जब CEI में रिक्रूटमेंट आई है और कहेंगे कि इसमें जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं या BSc बायो स्टूडेंट हैं, उसके अलावा आर्ट जैसे कि टाइपिस्ट, हिंदी, तो इन सभी के लिए पोस्ट हैं। उसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, तो सभी के बारे में देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये हम आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देते हैं कि इसमें जोन वाइज पोस्ट है, और जोन वाइज पोस्ट में जैसे कि इसमें दिया गया है कि केवल एक स्टूडेंट एक ही जोन में डाल सकता है। तो ये चीज़ें आप सभी देख लेंगे कि हम किस जोन में आते हैं और किस जोन में पोस्टों की संख्या है, उस आधार पे एप्लीकेशन जो है वो अपना फिलअप करेंगे। तो मेजर जो चीज़ें हैं इसमें, सभी चीज़ों को हम महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं देख लेते हैं। जैसे आपका जोन वाइज पोस्ट जो वैकेंसी है, कहेंगे कि सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट है, मैक्सिमम एज देखते चलते हैं ये 28 है। उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज होता है उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आपकी पोस्टों की संख्या हो जाएगी, टोटल 46 पोस्ट हैं। उसके अलावा स्टेनो हुआ, हिंदी के लिए 22 पोस्ट हैं, जनरल में आपका कहेंगे कि 16 पोस्ट है। और ये आपका जनरल जो है, जो हिंदी टाइपिस्ट अर्थात 26 16 था, और ये जनरल का जो है कहेंगे 256 पोस्टें हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट की भी काफ़ी अच्छी पोस्टें आई हैं, कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आपका जो 286 पोस्ट है ये आपका एग्रीकल्चर है, एजी थर्ड टेक्नीशियन अर्थात कहेंगे टेक्निकल, अर्थात कहेंगे टेक्निकल का मतलब जो हॉर्टिकल्चर और बायोलॉजी स्टूडेंट हैं BSc, उनके लिए ये पोस्ट है। अदर जो भी अभी हैं उनमें हम देखेंगे क्या उनका क्राइटेरिया है। ये टोटल 287 पोस्ट हैं, और ये आपका साउथ जोन हुआ, अर्थात ये जोन वाइज पोस्टों की संख्या है। तो ये तो हम आपको PDF जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो हम उसमें आपको उपलब्ध करा देंगे। आपका AG टेक्नीशियन हुआ, कहेंगे कि इसमें आपकी जो टोटल पोस्टों की संख्या है 44 है। जनरल जो है आपका वो 159, तो हमें लग रहा है कि जनरल हर जोन में जो है पोस्टों की संख्या काफ़ी हाई है। उसके अलावा ईस्ट जोन हुआ, ईस्ट जोन में कहेंगे कि जनरल की जो है 106 है, और आपका टेक्निकल जो पोस्ट है कहेंगे कि 226, तो अर्थात टेक्निकल पोस्ट ईस्ट जोन, अर्थात कहेंगे कि ईस्ट जोन का मतलब आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, बिहार हुआ, इस सभी चीज़ों में असम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये जोन होगा। वेस्ट जोन, वेस्ट जोन में भी हम देखते हैं आपका AG कहेंगे कि 4 पोस्ट। वेस्ट जोन में सीटों की संख्या कम है, जनरल की 124 है, अर्थात 124 जनरल की है, और उसके अलावा अकाउंटेंट की 60, 153 टेक्नीशियन अर्थात ये एग्रीकल्चर ग्रुप की हो गई। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जोन, अर्थात वो ईस्ट जोन था तो कहेंगे कि वो बिहार साइड, और नॉर्थ ईस्ट जोन अर्थात ये आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम, मेघालय, यहाँ जो सीटें हैं, तो उसमें आपका ये टेक्निकल जो है काफ़ी कम सीटें हैं। देख रहे हैं आपका टेक्निकल का भी हमें लग रहा है कि इसमें 3 पोस्ट ओवरऑल है, और जनरल की जो पोस्टें हैं 112 पोस्टें हैं। तो ये आपकी जोन वाइज पोस्टें हो जाएंगी। और इसमें कहेंगे कि पे स्केल आर ड्यू टू रिवाइज आप, अर्थात 1/1/2017 को जो है उसमें रिवाइज पे स्केल है। ये आपका जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले हैं उनका एज ऑफ रिजर्वेशन 1% 1%, ये चीज़ें दी गई हैं। अब आपका कैटेगरी देखिए, इसमें जो है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो जनरल है उसमें आपका ये है चीज़ें, जो टेक्निकल है ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। जो मेजर मेजर चीज़ें हैं फॉर्म फिलअप करिएगा तो सभी चीज़ें आप ध्यान में देख रखते हुए। अब पोस्ट कोड, जैसे आपका JE अर्थात सिविल इंजीनियर है, तो उसके लिए पोस्ट कोड आपका A है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है, जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं या डिप्लोमा हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में है, उसके बाद स्टेनो ग्रेड में है, तो ये आपका कहेंगे कि ग्रेजुएट लेवल ओ लेवल डिग्री अर्थात ये मांगी गई है टाइपिंग। उसके अलावा कहेंगे कि ये हिंदी टाइपिस्ट, इसमें आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी जो होना चाहिए। उसके अलावा कहेंगे कि अगर इंग्लिश भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग अर्थात अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी से है तो उसको एक कहेंगे कि अच्छा चांसेज है। उसके अलावा ये टाइपिस्ट AG हिंदी में था, ये टाइपिस्ट हिंदी में है, उसके लिए भी इक्विवेलेंट। ये जनरल है, जनरल डिग्री ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ कहेंगे कि प्रोफेशनली प्रोफिशिएंसी इन यूज इन कंप्यूटर, अर्थात कहेंगे कि कहने का मतलब कोई भी जो भी स्टूडेंट BSc ग्रेजुएट हैं वो सभी इस जो AG जनरल की पोस्टें आई हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अब उसके बाद अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो जो बैचलर ऑफ कॉमर्स हैं, अर्थात कहेंगे कि ये सभी के लिए, जो कॉमर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, सभी स्टूडेंट के लिए है। हालांकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए अभी ये पोस्ट है एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, टेक्निकल कहेंगे। तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी विथ एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अर्थात बॉटनी, ये बीएससी है, अर्थात बीएससी से कोई स्टूडेंट बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस से है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा बीटेक हुआ या फूड साइंस हुआ, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो बीएससी एजी स्टूडेंट के अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है। जो बीएससी हॉर्टिकल्चर हुए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो दिया गया है, लेकिन बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री या होम साइंस, अब इसमें वो अगर चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि जब अगर बीएससी एजी जो है वो हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, अर्थात समकक्ष मान लिया गया, तो इसको देना चाहिए वैसे उन सभी को अब मौका। बाकी चलिए ठीक है, उसके बाद ये आपकी पोस्टें हो गए। तो अब इस पोस्ट वाइज, पोस्ट का मतलब ये है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो पोस्ट पे डिपेंड करेगा, आपके पोस्ट पे कौन सी पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें जो एज है, एज बाउंड्रेशन कहेंगे कि ये आपका 31 दिसंबर 2019 रिलैक्सेशन, तो एक एक कहेंगे कि 1980 से लेकर 31/12/1989 का ये है। और इसमें जम्मू कश्मीर के लिए कुछ रिलैक्सेशन की बात है, जो स्टूडेंट हैं इसमें आपका एज रिलैक्सेशन, वो एज दिया गया है क्या है, एज एक्स सर्विस मैन, ये सभी चीज़ें हैं। अब इसमें हम ये, हाँ ये आपका पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा पहले, मतलब ये क्लियर है पहले से कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 35, कहेंगे कि ड्यूरेशन 20 मिनट्स का होगा, और ये 60 मिनट में अर्थात 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, 35 क्वेश्चन। तो ये बाईलिंगुअल, देखिए अर्थात एक चीज़ ये भी है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये भी चीज़ें हैं कि ये बाईलिंगुअल, अर्थात वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा, और कहेंगे कि ईच रॉन्ग आंसर निगेटिव मार्किंग, अर्थात निगेटिव मार्किंग भी दी गई है, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, और 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो ये चीज़ें होंगी। अब फेज सेकंड जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें आपका 1 पेपर एग्जाम एंड 2 पेपर एग्जाम। तो 1 पेपर एग्जाम में आपका पेपर 1 ओनली, जैसे आपका जनरल है, जो जनरल है उनके लिए केवल 1 पेपर होगा, और जो पेपर 3 ओनली एंड पेपर 5 ओनली, इन सभी के लिए जो पोस्टें हैं। अब उसमें 2 पेपर वाला एग्ज़ाम, जैसे आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर कहेंगे टेक्निकल जो है, तो टेक्निकल में आपका 2 पेपर होगा, अर्थात टेक्निकल में जो होगा सेकंड फेज में वो आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। या अदर जो हैं, जैसे इंजीनियरिंग हुए या एजी अकाउंटेंट हुए, तो उसमें जो दिया गया है पेपर 3 एंड पेपर 4 जो होगा वो आपका हिंदी में होगा। अब इसमें दिया गया है पेपर, हम कहेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो हमें देना है, तो पेपर 1 एंड पेपर 3 एंड पेपर 5 जो कहेंगे कि 120 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, और 1 1 क्वेश्चन, अर्थात 120 क्वेश्चन होंगे, और ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2 जो होगा वो आपका 60 क्वेश्चन होगा। अर्थात कहेंगे कि जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाने वो हमें जो अभी निकल के आ रहा है कुछ 60 क्वेश्चन मल्टीपल टाइप के पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के। उसके बाद हुआ ये आपका सब्जेक्ट 2 होगा, कहेंगे कि ये इतना हो गया। उसके बाद पेपर 1, ये आपका टाइम हो गया पेपर 1, अर्थात ये जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हो जाएगा कि पेपर 1 ये 120 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, जैसे कि इसमें हम जो जनरल अवेयरनेस है अर्थात जीके के क्वेश्चन हम चैनल पे डालते रहेंगे, और जीके का क्वेश्चन जो है अगर वो लूसेंट जो है अदर स्टूडेंट के लिए हम लूसेंट वो पढ़ते रहें, करंट इवेंट्स है तो करंट अफेयर्स भी वो पढ़ते रहें, रीजनिंग है, ये सभी चीज़ें अर्थात उसमें पूछी जाएंगी। उसके अलावा ये देखिए, जैसे कि आपका ये टेक्निकल वाले में, टेक्निकल के लिए पेपर 1 कंपलसरी है, अर्थात जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं या बायो स्टूडेंट हैं जी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अकाउंटेंट के लिए, जनरल के लिए, तो उन्हें पेपर 1 कंपलसरी
सकते हैं कि इन सभी को इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इन सभी को देना है। पेपर सेकंड जो है वो आपका जो है, देखिए ये जो सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिक हैं, उनका 60 क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनका भी होगा, और 60 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। अब देखिए इसमें एग्रीकल्चर वालों, क्योंकि इसमें बायो स्टूडेंट को भी मौका मिल रहा है, तो इसमें तीन, एग्रीकल्चर, बाटनी और जूलॉजी एक ग्रुप बनेगा। अर्थात कोई एक ग्रुप ये लिख सकता है एग्रीकल्चर, बाटनी और जूलॉजी, या दूसरा जो होगा एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब ये स्टूडेंट के ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या नाम का है, बाटनी स्टूडेंट हैं, बायो स्टूडेंट, वो या तो एग्रीकल्चर बाटनी जूलॉजी लें या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स। तो हमें लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर बाटनी और जूलॉजी उनके लिए सबसे सुटेबल रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के काफ़ी मैटर हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन भी हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है, और धीरे धीरे हम इस चैनल पे क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे वीडियो और वीडियो। अब ये जूनियर इंजीनियर का सिलेबस है, कहेंगे कि वैल्यूएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का ये है, उसके बाद कहेंगे कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल का ये है, ये हमारा एग्रीकल्चर ग्रुप का हो जाएगा। एग्रीकल्चर ग्रुप में जैसे कहेंगे कि स्टैटिक्स है, अर्थात जो एग्रीकल्चर का डाटा है, जो अभी पिछला डाटा है वो हमने डाला हुआ है, अगर एग्ज़ाम अप्रैल मई, कहेंगे कि मई के बाद में होता है, तो फिर रिसेंट जो डाटा होगा वो भी अपडेट कर देंगे। उसके बाद एलिमेंट्री इंटमोलॉजी, एलिमेंट्री अर्थात कहेंगे कि जो इकोनॉमिकल, जो ऐसे जो डिजीजेज हैं, पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनके बारे में आपको 100% एलिमेंट्री इंटमोलॉजी का मतलब यही हुआ, प्लांट प्रोटेक्शन भी दिया गया। उसके अलावा इकोनॉमिकल जैसे कि जो हनी बी हुआ, उसके बाद सिल्क हुआ, वो सभी चीज़ें आपके आ जाएंगी। अदर चीज़ें जो हैं, अर्थात इंटमोलॉजी हुआ, प्लांट प्रोटेक्शन हुआ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, अर्थात एग्रीकल्चर में ये आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अब सी आई की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है आपको वही है। उसके अलावा बॉटनी, तो बॉटनी के अभी इसमें सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स पूरा पढ़ना होगा, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी अर्थात इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का हम वीडियो जल्द ही डालने वाले हैं चैनल पे। उसके अलावा बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और ये कहेंगे कि रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सभी चीज़ें, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन का भी वीडियो डालेंगे। उसके अलावा केमिकल अर्थात जूलॉजी है, अब जूलॉजी के बारे में भी, उसके बाद केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, तो इसमें ये कहेंगे द एबव सिलेबस, द एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरी, ये आपकी दो कैटेगरी हैं, इसमें से कहेंगे कि एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकाई जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एजी टेक्निकल सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द एबव ग्रुप ऑनलाइन, अर्थात वो या तो आप ग्रुप ए या तो आप ग्रुप बी, तो ये आप हम वीडियो में सीधा क्लियर कर दे रहे हैं। और हमें जो लगता है कि सबसे सिंपल एग्रीकल्चर स्टूडेंट, अब भाई जिनकी अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ग्रुप के हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो यही फिलअप करेंगे, लेकिन जो बायो स्टूडेंट है, अगर जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री लग रही है कि अच्छी है, तो वो फिलअप कर सकते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स, नहीं तो ये बॉटनी जो है वो सबसे सुटेबल रहेगा। उसके बाद ये पेपर थर्ड हो गया, तो ये पेपर थर्ड जो है अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है, जैसे जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जो कहेंगे कि असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड हिंदी और टाइपिस्ट हिंदी के लिए है। उसके बाद आई वी हो जाएगा, ये सभी हो गए। उसके अलावा जो मेजर, जैसे हमने पोस्टों के बारे में देख लिया, उनका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में देख लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपको लास्ट स्टेज में मेरिट में जब सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद देना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो मेजर चीज़ हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी वन जोन ओनली, आइदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, अर्थात ये पांच जोन हैं। एक चीज़ ये आपका जीके का क्वेश्चन है, ये आप 100% जीके का क्वेश्चन है, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में जो है वो पांच जोन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सांविधिक है, अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं, ये मतलब है जिसका जो कहेंगे कि हेड जो होता है वो आपके जो गृह मंत्री होते हैं, वो गृह मंत्री होते हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हो गई। अब को मतलब एक ही इसमें जो दिया गया, कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी वन जोन ओनली, तो ये चीज़ें हैं, नहीं तो आपका जो कैंडिडेट हैज अप्लाई टू आर मोर जोन, द कैंडिडेट शैल समरली कैंसल्ड, अर्थात कैंसिल कर सकते हैं आपको फॉर्म को।
ये चीज़ें हैं, डाउनलोड द कॉल लेटर, आपका FCI का जो कॉल लेटर होगा वो आपके मैसेज आएगा, जहाँ तक इसमें एग्जाम डेट हो सकता है दी हो, अभी आगे देख लेते हैं। आगे जो जनरल है सिटीजन इंडिया का, ये सभी चीज़ें हैं। ये आपका है एग्जामिनेशन सेंटर जो है, ये आपका इस एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो जैसे बिहार है तो आरा, औरंगा, भागलपुर, ये सभी चीज़ें हैं। दिल्ली NCR में भी है, गाजिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिमाचल प्रदेश में भी आपका है, जम्मू कश्मीर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, पुडुचेरी हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सेंटरों की संख्या काफ़ी होगी, क्योंकि अप्लाई करने वाले स्टूडेंटों की संख्या भी, कहेंगे कि स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा होगी। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, तो पहले फॉर्म फिलअप कर देने का एक फ़ायदा रहेगा, हो सकता है सेंटर चॉइस वहाँ दिया जा रहा हो, तो जो भी स्टूडेंट हैं सभी चीज़ को देखते हुए, लखनऊ हुआ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, जहाँ उनको सूटेबल पड़ रहा है, जल्द से जल्द अभी जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए वो कर दें। उसके बाद स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज सेकेंड, ये आपका फेज फर्स्ट का था, ये फेज सेकंड का जो है, फेज सेकंड में स्टूडेंट की संख्या कम हो जाएगी, और उसके बाद ये सेंटर की संख्या भी आपका कम हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद पेपर, ये सभी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, नॉर्थ जोन के लिए, ईस्ट, अब ये जोन आपके कौन से जोन आते हैं, जैसे नॉर्थ जोन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश आपका नॉर्थ जोन में आएगा, साउथ जोन में आपका कर्नाटका, केरला हुआ, ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट जोन महाराष्ट्र हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट जैसे हमने पहले ही बताया था, सेवन सिस्टर जो हो जाएंगी, इनको सेवन सिस्टर भी कहते हैं कभी कुछ लोग, अरुणाचल प्रदेश, असम, एक GK का क्वेश्चन, तो ये चीज़ें होंगे। नो TA विल बी प्रोवाइड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट, अर्थात आपको किसी भी प्रकार का ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है ड्यूरिंग जो एग्ज़ाम देने जाएंगे। ये आपका एग्ज़ाम फीस हो जाएगा, कहेंगे कि एप्लीकेशन फीस ₹500 जो है, अप्लाई वन वन विद इन द जोन, ये चीज़ें हो जाएंगी, और अराइविंग सोर्स, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग, ये सभी चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं, सिलेबस के बारे में पता चल गया, मेजर चीज़ तो वही होती है। देखिए, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन 23/2/2019 से लेकर, कहेंगे कि आपका 23/2/2019 से लेके 25/3/2019 तक है, तो ये आपका हो गया ऑनलाइन जो अप्लाई करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डाटा कैसे आपको फीड करना है, ₹500 आपका फीस हो जाएगा, जो चलान है ये सभी चीज़ें आपको रख लेनी है। उसके बाद फ़ोटो साइज़ मेन, आपको फ़ोटो साइज़ भी देखिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि फ़ोटो आपको ऐसा दे के चले आए, बाद में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, तो फ़ोटो साइज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप करेंगे। टेंटेटिव शेड्यूल्स, तो ये सबमिशन, ये कहेंगे कि आपका सबमिशन जो हो गया 23/2 से 25/3 तक है, और कहेंगे कि एग्जामिनेशन डेट ऑफ 15 डेज पीरियड टू अनाउंस डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात एडमिट कार्ड जो होगा वो 15, और ये जो डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो ये कहेंगे कि मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, अर्थात इन्होंने अब ये मार्च में करवाएंगे, अप्रैल, मई, अर्थात 3 महीने, तो कह सकते हैं कि 3 महीनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, तो वो मेजर चीज़ें नहीं हैं, अब आपको फॉर्म भर देना, ये आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट जो है, अदर चीज़ें जो हैं, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। आपका एग्ज़ाम भी कह सकते हैं कि जो इन्होंने टेंटिव रखा है तो काफ़ी कम समय है, और जो भी स्टूडेंट हैं फॉर्म जो है अप्लाई कर दें, और अच्छे से मतलब देखते हुए ये कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें फ़ोटोग्राफ जो है, अदर चीज़ें जो हैं, एक ही जोन में अप्लाई करना है, किस पोस्ट पे करना है, उसका सिलेबस क्या है, सभी चीज़ देखते हुए अप्लाई करें, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर और बॉटनी वाले में है, उसमें दो ग्रुप बना हुआ है, एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी, या एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ये सभी चीज़ों को रखते हुए फॉर्म अप्लाई कर दें।